हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। आइए बात करते हैं कि क्यों अमेरिका के बाद मोसाद दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी आखिरकार क्यों फेल हुई। क्या इनको नहीं पता था कि गाजा स्ट्रिप से हमास टेररिस्ट ग्रुप अटैक करेगा। इसके पीछे मुझे पांच बड़े रीजन समझ में आते हैं, जिसमें पहला बड़ा रीजन है हमास ग्रुप के द्वारा आयरन डोम सिस्टम की पहले से ही टेस्टिंग कर लेना। जब मई 2021 में इन्होंने 137 गोले 5 मिनट में दागे तो इनको पता लगा कि आयरन डोम सिस्टम की एक्यूरेसी ज्यादा मिसाइल्स आने पर 90% हो जाती है। हालांकि ज्यादातर इजरायली फोर्सेस अटैक के बाद गाजा पर रिटेलिएट करती है, और उसके बाद जब इनको लगा कि अब गाजा शांत है तो ज्यादातर इजरायली फोर्सेस को वेस्ट बैंक बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया, जो इनकी दूसरी सबसे बड़ी भूल थी। और इसी वजह से हमास टेररिस्ट ग्रुप को लगा कि अब गाजा बॉर्डर पर ज्यादा फोर्सेस नहीं है, तो 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया गया। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है इसराइल में खत्म होता लोकतंत्र, क्योंकि फरवरी 2023 में इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने जुडिशरी ओवरहॉल बिल को पास किया था। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है अप्रैल 2023 में इसराइल की पुलिस जब जेरूसलम की अलास्का मॉस्क में घुसती है, तभी उपद्रवियों के ऊपर स्टनगन और रबर बुलेट से फायरिंग करती है, तो अरब सेंटीमेंट्स खराब होते हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है ईरान के द्वारा सुदान, इजिप्ट और लेबनन के रास्ते गाजा स्ट्रिप को निरंतर वेपन्स भेजना। इन सभी सेंटीमेंट्स को मोसाद कैलकुलेट नहीं कर पाई। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी फॉलो कीजिए।